क्यों कर लाडू ये चल गया चलो चलो आज नाशिक रवीनूर आर्मी तर्फे मकर संक्रांति सणानिमित्त लोकांना खिचड़ी आणि तिळगुळ वाटायचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि ते भरपूर वॉलंटियरांनी त्याच्यात सहभाग घेतलेला आहे आदर चल अरे बाळा तुला बाहेर तुला किती दिलं तू दोनदा येऊन आले प्लेट वर अरे नको तिला पकड रहा है किती क्यूट है इकडे हो तू किती शांत पण आहे ना दुसरं रडलं हेलो सर एक्चुअली आप रॉबिनहुड में कितने साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हो मैं एक साल से इसमें ज्वाइन हुआ मेरा नाम डॉक्टर नंदा है मेरा दवाखाना है एक्सरे सोनोग्राफी का और मैं एक साल से इसमें काम कर रहा हूँ तो मुझे जो भी टाइम मिलता है जो भी होता है तो मैं उसमें वर्कआउट करता हूँ और आप ऐसे ज्वाइन कैसे हुए ऐसे रॉबिनहुड के वॉलंटियर से मिल के कुछ उनके बारे में मालूम पड़ी तो फिर मैं ज्वाइन होकर उसका एक्सपीरियंस लिया तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा अच्छा वर्क लगा तो मैं उसमें ज्वाइन हुआ जैसे आपको रेफरेंस मिला आप तुरंत ज्वाइन हुए या किसे आपको ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं ठीक है बोलते हैं हम हाँ ठीक है जाते जाते ऐसे दो तीन दिन इतना कितना महीना लगा या फर्स्ट डे फर्स्ट डे पे मैं ज्वाइन हुआ मुझे चावला सर मिले थे तो वो बोले कि ऐसा ऐसा करते हैं हमें बोला तो मैं आ जाता हूँ तो फर्स्ट डे से मैं ज्वाइन हो गया और फिर फर्स्ट डे से सब कंटिन्यू चालू है मेरा डेली चालू है तो आपने सिर्फ फूड ट्राई किया या और भी कुछ किया मैंने बहुत सी एक्टिविटीज़ में भाग लिया है जैसे कभी आप उन कपड़े बांटने गए या दूसरा कुछ वर्क या स्टडी के बारे में गए या कोई दूसरा सोशल वर्क रहा तो उसमें हम ज्वाइन होते अच्छा तो आप फैमिली में अकेले जाते हैं फ्रेंड होता है कैसे होते हैं नहीं मैं मेरे बच्चों को भी ले जाता हूँ कभी मेरी मिसेज को भी ले जाता हूँ कभी मेरे घर के रिलेटिव है भाभी जी है भाई है उनको भी ले जाता हूँ और आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या मतलब क्यों ऐसे क्यों ज्वाइन हुए आपको ऐसा कभी ऐसे प्लान था प्लान वगैरह ऐसा कुछ नहीं था जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे ये वर्क करके अच्छा लगा कि जो वेस्ट फूड है जो वाया जाने वाला है जो फेंका जाने वाला है वो किसी के पेट में जा रहा है किसको अन्न मिल रहा है कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा है तो उसके लिए मुझे अच्छा लगा और कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप वैसे होटल्स में लॉन्च में सर ने बताया कि आप होटल्स में लॉन्च में सब जगह जाते हो तो कभी कभी नासिक से बाहर भी ऐसा कुछ चीज़ मिलता है तो आप ऐसा कुछ करने के लिए जाते हैं ना डिंडोरी में बहुत बाहर हुआ पिपल गाँव में हुआ कभी सिन्नर में कॉल मिला तो हम गए और वहाँ से फ्लूट कट करके वापस हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया
खाऊंगी। क्या गया था ना फटाफट चलो बेसिकली हमारा सब केटरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमको इन्फॉर्म करते हैं जब भी उनके पास कुछ बचने वाला है तो फिर हम वहाँ जाके और वो कलेक्ट करते हैं और फिर जैसा डिसाइड होता है कोई ना कोई स्लम्स पे बांट देते हैं वो लोग। नहीं, हम लोगों ने उनके पास जाके अप्रोच किया था और उनको इन्फॉर्म किया था कि हमारा ये पर्पज़ है तो आप हमको हेल्प करिए इसके अंदर, तो फिर वो अभी हेल्प करते हैं। रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आते हैं, जब भी उनके पास कुछ बचने वाला होता है तो वो हमको इन्फॉर्म करते हैं और फिर हम लोग वो कलेक्ट करके बांट देते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे ये पूछना था कि सिर्फ केटल्स होटल लोन से लेते हो या किसी को हम जो किसी को बर्थडे सेलिब्रेशन करना है या फिर किसी के घर पे वास्तु का कुछ इशू होता है या कुछ और ऐसे लोगों को अगर कनेक्ट करना है, उनको अवेयरनेस करना है तो इसका कुछ आपका स्पॉन्सर्ड ड्राइव्स भी होता है, वो लोग हमको कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी जैसा नेटवर्क अच्छा है सोशल मीडिया के थ्रू हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमको बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हम उनको बोलते हैं भाई आप ले आइए, हम लोकेशन दे देते हैं और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स चले जाते हैं और उनके साथ बांटते हैं। और अगर ऐसा अभी आपके ग्रुप में टोटल कितने होंगे जो वर्किंग करते होंगे वॉलंटियर? वॉलंटियर्स तो मोर देन 100 प्लस एक्टिव वॉलंटियर्स है, ऐसा तो 300 प्लस लोग हैं हमारे साथ। एंड अगर समझो कुछ और लोगों को अवेयरनेस देना है तो कुछ और कुछ प्रोसीजर होता है आपके यहाँ पे? नहीं, ये आप उनको साइट पे जाके रजिस्टर करना है अपने आप को, वो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाते हैं, फिर वहाँ से उनको सब अपडेट्स मिलना चालू हो जाता है। ड्राइव के पहले अपडेट आ जाता है, फूड कलेक्शन के लिए अपडेट आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपडेट आ जाता है। और आप उसके अलावा और कुछ करते हो ये मिलता ही? जेवणाबरोबरच आपण अकॅडमी पण चालवतो आहे, लहान मुलांसाठी झोपडपट्टी त्या मुलांसाठी अकॅडमी पण चालवतो आणि त्याच्याबरोबर रक्तदान शिबिर आहे, कपडे जुने कपडे आपण जमा करतो, चप्पलसुद्धा आपण जमा करतो आणि ते आदिवासी पाड्यांवरती किंवा झोपडपट्टीमध्ये आपण ते जाऊन वाटू देतो। ह्याच्यासाठी आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप आहेच आमचा, तसं फेसबुकचा पण ग्रुप आहे, ह्याच्यामधून सोशल मीडियामार्फतच आम्हाला हेच पूर्ण भेटतं, म्हणजे जे काही चप्पल असेल कपडे असतील ते पूर्ण आपल्याला सोशल मीडियामधूनच भरपूर भेटतं। आणि आत्तामध्ये आपण 15 ऑगस्टला पण एक चांगला प्रोग्राम केला मिशन 5 म्हणून, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण 9 टन मटेरियल आपण जमा केलं होतं, ते पूर्ण नाशिकमधूनच जमा झालेलं होतं आणि ते जमा केलेलं जेवढं मटेरियल होतं ते आपण आदिवासी पाड्यांवरती वाटून आलो। नाही, कुठे पण करतो आपण ते, तसं काही नाही, आणि प्रत्येक वेळेस वेगवेगळं ठिकाण असतं, एकच ठिकाण नसतं, आदिवासी पाड्यांवरती पण जातो, जशी सिटीमध्ये गरज आहे तशी खेडेगावातल्या लोकांसाठी सुद्धा गरज आहे, आदिवासी पाड्यांमध्ये खूप प्रॉब्लेम असतात त्याच्यामुळे आपण त्यांना सुद्धा आपण पोहोचवत असतो। और मला ये पूछना था की अगर समजो कोई नए लोगों को आना है, जैसे फेसबुक लोग ज्यादातर कनेक्टेड नहीं होते क्योंकि यूथ तो नहीं रहती, यूथ ही ज्यादातर फेसबुक में कनेक्टेड रहते हैं, अगर समझो एल्डर लोगों को आना है क्योंकि कैसा होता है वो लोग रिटायर हो जाते हैं एंड आफ्टर उनको ऐसा लगता है कि कुछ करें हम, नाही ह्याच्यासाठी आपण आपल्या आपण ह्याच्यासाठी आपले फोन नंबर्ससुद्धा दिलेले आहे प्रत्येक ह्याच्यावरती, त्यांनी फोन नंबरवरती जरी कॉन्टॅक्ट केला फेसबुकवरती कोणाकडून नंबर जरी भेटला तर ते आपण त्यांना ग्रुपमध्ये किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये सामावून घेतो त्यांना, किंवा जर बाकीच्या युथला जर आपल्यामध्ये जर यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी आपण एक robinwoodarmy.com म्हणून जी आपली वेबसाईट आहे त्याच्यामध्ये फॉर्म फिलअप केला का डायरेक्टली ते ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपला ॲड होता आणि तिथून ते जॉईन करू शकतं, काम चालू करू शकतं। और ऐसा कुछ है कि कॉलेज में जाके देखो अभी कैसा होता है कि हर कॉलेज में ना एक प्रोग्राम होते हैं, मतलब उनके एक सोशल वर्क करने के लिए एक इनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो चीज़ें उनको पता नहीं रहती, तो उनको अगर हमें कनेक्ट करना है तो कैसा वो अवेयरनेस कैसे होता है वो कनेक्ट? अवेअरनेससाठी आपल्याला खरं मग त्यांच्याबरोबर जाऊनच ते करावं लागेल, तिथे ते कॉलेजमध्ये जाऊन व्हिजिट देऊन त्यांनाच मग ते रॉबिनहूड आर्मीबद्दल माहिती देऊन मग त्यांना तिथे ते अवेअरनेस द्यावं लागेल प्रत्येक ठिकाणी। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अमाऊंट देनी पडती है? नाही, आपली ऑर्गनायझेशन जी आहे ती 0 फंड ऑर्गनायझेशन आहे, ह्यामध्ये आपण 1 रुपया कोणाकडून डोनेशन म्हणून घेत नाही आहे, ज्याला फक्त वेळ जो आहे आपला महत्त्वाचा तोच आपल्याला ह्याच्यामध्ये द्यायचा। दिले ना तू?
हेलो सर, एक्चुअली मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि रॉबिन हुड बहुत कुछ करता है, तो आप एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि रॉबिन हुड एग्जैक्ट करता क्या है? बेसिकली रॉबिन हुड आर्मी इट हैज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2014. What the Robin Hood Army do, that we collect the surplus food from restaurants, from marriage functions and any parties, and then we distribute it to the underprivileged people, the needy people. And the whole process is done by volunteers only. We are no fund organization. We do not take any kind of money. We do not take any kind of monetary help from any organization or any person. Whatever we are doing, our Robins are using their own vehicles to make the transport of these foods and distribution. The Robins are themselves are distributing the food. So it is not involving any kind of money. This is what we are doing from last 1 year approximately. We have started at Nasik. We have started it in the month of September, 15 September 2018. Till date we have made 735 food drives, along with couple of other drives also we have done, like chappal drives. We used to distribute the footwears in that to the underprivileged people, to tribal peoples. Sorry. Then other than that, we have distributed clothes. Other than that, we have distributed some blankets in the winter season. We used to distribute blankets also. This is what we have done in last 1 year. Approximately in 735 drives, we have distributed food to approximately 175,000 people, and we have approximately 550 volunteers in Nasik who are working on daily basis for the sake of this noble cause. Everybody wants to do something, and this is the platform where you can do some work which you can satisfy your own mind, that you are giving something back to the society. We are the part of society, and the underprivileged people are also the part of the society. So we are having some sort of responsibility to them as well, because we cannot say that we are only responsible for our family, but we are responsible for our society also. And this is what the Robin Hood Army is doing since last four years, when it started in the year of 2014. I guess you will have the brief idea what we do and how we do. Now, we are always welcome the good and hardworking volunteers. So if you are interested to join our cause, you can go to the Google and search for the Robin Hood Army, and you will get the information form. Please fill it up. Please provide your mobile number and email ID accurately, so that we will join you directly to the area which you have selected, and you can be the part of the Robin Hood Army. Thank you. Hey, Simi, पतंग नहीं मिलेगा, पहले बता रहा. अरे देतो ना तुला पण देतो. चल पकड, बस इथे इथं थांब, फोटो काढायचं आपल्याला. चल फोटो काढायचं, ये चल इकडे. बस एवढे झाले. ए तिकडे बघा, तिकडे बघा, फोटो काढताय काका ते. रहा है
चला ना ज्यांच्याकडे ब्लँकेट आहे मी पुढं चला आता संपले संपले मागे आले ब्लँकेट संपले असेल तर मागे इथे दिलं 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 इकडे दिलं प्रॉपर हो रहा है तो बात नहीं है ब्लँकेट घ्या ब्लँकेट चल इनके घर में आते वैसे जैसे आपने पहले किया था जाने का ही वो मैडम आना इकड़ा नाही नंतर ट्रीम होऊन जाईल द्यायची का द्यायची का घेऊन दिली घेऊन दिली आदिली आता सगळी तुझी आजी वाटतो ब्लँकेट घेतलं ना मग अशी बाबा सकाळचा मारा झालेला आहे भाई चड्डी बाजूला घेऊन बाजूला घेऊ नको परत बाजूला घेऊन असं आडू अस आणे ना एक घे बरं इथं इथे आलं लक्ष शूटिंग पण चालू आहे चला देऊन
हमारा इधर चिकन। आप साड़ी नहीं पहनते हो? पहनते पर घर सिला के पहनते। साड़ी पहनते हैं क्या? घाघरा पहनते हैं? ऐसा सिला के सारे अंदर चल हेलो नासिककर, आज 2020 मतलब कि 2020 का पहले फर्स्ट जनवरी मतलब पहले साल का एक नया, आज सबसे पहली संक्रांति, मकर संक्रांति जो पहला त्यौहार है जो हम आज सब रॉबिनहुड आर्मी नासिक से आज हम सब लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं जो मकर संक्रांति स्पेशल है। इसीलिए हम सब आरएचएस के तरफ से आप सबको खूब खूब मकर संक्रांति के लिए हार्दिक शुभेच्छा। दूसरी बात कि हम आरएचएस जो भी नासिक कर है वो सब यहाँ पर अच्छी तरह से आज मकर संक्रांति इन सब गरीब बच्चों के साथ एक ऐसी संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं जहाँ हमें बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। और आज हम लोग खिचड़ी वाटप, लड्डू, चिक्की और सबसे प्यारी चीज़ें जो पतंग, जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पतंगों से, बार बार यहाँ वहाँ ऊपर नीचे देख के वो पतंगों को लेकर आसमान की तरफ देखते हैं, शायद उनमें से कोई एक बच्चा भी ऐसा जिनको पतंग मिल जाती है तो काफ़ी खुश होते हैं। तो आज हम सब रॉबिनहुड आर्मी नासिक वाले आज इनके साथ हमारी मकर संक्रांति स्पेशल इनके साथ आज साजरा करने जा रहे हैं। तो हमें ये बोलने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम लोग स्पेशली संक्रांत डे सेलिब्रेशन किया जिसमें हमें खुद को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, इवन हमारे सारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जाके हम और ऐसे बहुत सारे जो भी ओकेजनली प्रोग्राम्स आते रहेंगे फाइनली हम उसमें अपना कुछ ना कुछ अच्छा इन्वॉल्वमेंट करते रहेंगे। हंगर पीपल को ऑलवेज हम अपना एक सपोर्ट देते हैं और जो जो हमें यहाँ पर जो भी हमारे हेल्प करते हैं उन सबको आज के लिए थैंक यू वेरी मच।